आईडी द्वारा की कर्नाटक सोसाइटी एक्सप्रेशंस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है मानव कौल का एक प्रसिद्ध नाटक बलि और शंभू। बेटा मैं वहां आकर क्या करूंगा? मुझे पता है आप नहीं हो, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी नाचती हूँ आपको खेत में ढूंढती रहती हूँ, या जब लोग पीछे फिर आते हैं मैं इंतजार करती हूँ कि आप आओगे मुझे ढूंढने। पिकनिक को देखा आपने? नहीं। जो सबसे अच्छा डांस करती है उसका कमरा कहाँ है? पिकनिक बेटा। अरे बेटा मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अच्छा तो ये क्या आपने मेरा फोटो देख के जान लिया? अरे सारी प्रैक्टिस तो तुमने मेरे सामने ही की है। अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं? नहीं। चलो ठीक मैं तुम्हें तुम्हारा डांस करके बताता हूँ। ऐसे ऐसे बेटा तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। पापा मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ पर मुझे पसंद नहीं ना ऐसा मजाक बेटा। ठीक है पापा। वैसे मेरी परी कथा कहाँ है? इतनी बेटा परी कथा बाद में। ठीक है मैं बाद में आती हूँ। अरे बेटा रुको नो चली गई अपने समय से आती है और अपने समय से चली जाती है। आप कौन है? इतना बड़ा पुलिस को बुलाया है क्या? तुम मैं पता नहीं क्या है? किसी में क्या? निकलो मेरे घर से कोई घुसा है? क्यों? मैं क्यों है तू? निकलो ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो उनको इनके साथ शिफ्ट कर देना। क्या मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा?
मैं इस ओल्ड एज होम को अपनी पूरी पेंशन दे रहा हूँ ताकि अकेला रह सकूं। और अगर हमने आपका सही सही रिपोर्ट तैयार करके दे दिया कि कैसे आप इकला यहाँ पे आए दिन तोड़ फोड़ करते रहते हैं, तो वो लोग आपको यहाँ से अगले दिन ही निकाल देगा। देखिए ये सब कुछ आप ही की बेहतरी के लिए है। मेरी बेटी पिछली उसको ये बहुत पसंद है। जब भी उसे नींद नहीं आती तो ये परिकथा सुनकर वो सोती थी। ठीक है मैंने शीत गुड़िया का ली। हाँ एक दिन मैंने एक परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परी की कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को उसकी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। उसके गायब होते ही परी देश में सब परेशान हो उठे थे। कैसे गई कहां गई क्योंकि परिया ऐसे कभी गायब नहीं होती है ना। उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया था क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पर उस आदमी की तलाश करने निकली जिसकी वो परी थी। बहुत समय बाद मुझे वो मिला पर परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? उस आदमी ने एक बार किसी से कह दिया था कि वो परियों में विश्वास नहीं करता और उसकी परी मर गई थी। अरे
इतनी जल्दी नहीं आती, अजीब तरह खाई है। मेरी जब इच्छा होगी तब सोऊंगा। आप क्या क्या डरा किस पर है? देखो मैं किसेंगर था, जवानी में मैंने कराटे सीखे थे, एक समय पे गुरु जी मेरे गुरु थे। और मेरी जवानी में दो खून करे हैं। चुप, एकदम चुप। जो
लौलाएं देखी। तुम्हारी खानदानी तिवारी है? खानदानी नहीं है, मेरे एक दोस्त थे हरिशंकर तिवारी। माफ करना। क्या? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। वो भी बहुत बोलते कि बीमारी मुझे वहीं से लगी है। अरे तुम किससे बात कर रहे हो? अरे तिवारी जी के नाम के आगे डॉक्टर को लगाओ तो बहुत बुरा मान जाते। क्या है कि जवानी में तिवारी जी को लगता था कि उनकी उनके घर मोहल्ले देश परिवार में कोई इज्जत ही नहीं, कोई उन्हें पूछता ही नहीं। तो उन्होंने अपने घर के आगे नेम प्लेट लगवाया और लिख दिया हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। पर बात नहीं हुई, लोगों ने कहा हमें तो बताया तिवारी जी यहाँ रहते हैं, नेम प्लेट लगवाने की क्या जरूरत थी। तो तिवारी जी ने अंग्रेजी में एक नई नेम प्लेट लगवाई और इस बार लिखा BR. यानी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी यहाँ रहते हैं। और घर में चुपकर देखने लगे कि लोग क्या करते हैं। लोगों ने उनका मजाक करना शुरू कर दिया। अरे कुछ बातें तो लोगों ने इतनी बुरी कही कि तिवारी जी से सहन नहीं। अब तिवारी जी करते क्या? डॉक्टर तो थे नहीं और पढ़ाई लिखाई का शौक बहुत पहले छोड़ चुके। अब नेम प्लेट में PR लगवाना फंस गए थे। तो तिवारी जी ने अपने दोस्त की एक स्कूल बस लाना शुरू कर दी। बात बन गई। अब तिवारी जी के नाम के आगे DR बना रहा। पर यहाँ DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था? अरे DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या हो गया था? अरे मुझे क्या पता क्या हो गया था, ड्राइवर हो गया था। लेकिन तुम कौन है डॉक्टर कहते हो, फिर वो ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? बाप मोर डॉक्टर हो गए, वो अलग कहानी। बाप मोर क्यों, अभी क्या कर रहे? कुछ नहीं। अरे तो अजीब बात सुनो, अभी सुनाओ ना। कहा अजीब तो आप है, कभी कहते हो पानी सुनाओ, कभी कहते हो चुप हो जाओ। देखो तुम बात को घुमाओ। अभी नहीं, अभी जरा मुझे नींद आ रही। एक तो रात भर सोने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, एक शब्द सुनाऊंगा अगर आप मेरे सभी प्रश्नों का एकदम सही उत्तर दे तो। अच्छा तुम चुप रहो, मुझे नहीं सुनना कोई कहा। ठीक है मत सुनो, मैं सो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी जो इच्छा होगी मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का जवाब दूंगा। जैसी आपकी मर्जी, शुरू हो जाओ। आप जेल से कब चुके? आपने जो खून किए थे वो कैसे किए? और अगर अब पछतावा हो रहा है तो यहाँ क्यों आया? किसी पहाड़ पर जाकर संन्यास करने ले लिया? आपके दांत असली है या नहीं? क्या आप मरने से डरते हैं? और हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अरे बेवकूफ, वो आखिरी सवाल वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। उसका जवाब नहीं मिलेंगे तो चलेगा। एक तो तुम रुको रुको, जरा मुझे लेट जाना है। और हाँ, वो हथियार कहाँ छुपा रखते हैं? हाँ जरूर जाओ, शुरू हो जाओ। तुम जरा चुप रहोगे? पहले तो मैंने किसी का खून नहीं किया, वो तो मैंने तुम्हें घर आने के लिए कह दिया था। लेकिन अब पछता रहा हूं, अगर ये होते तो तुम्हें मारने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं होती। भाई आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते? यहां देखिए, बात अंदर ले। रोके छोड़े, एक बार और बात अंदर ले। रोके छोड़े। वैसे मैं तुम्हारी बात क्यों मान रहा हूं? दो तीन बार करिए अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं ले गया हूं, जब चाहो शुरू हो जाइए। कुछ नहीं कहना है मुझे। मुझे अच्छा लग रहा है, बेकार ही गुस्सा करता हूं। बुढ़ापा बहुधा बचपने का पुनरागमन है, ये बात मुझ पर लागू होती है। बहुत अजीब हूं मैं, मेरे पलकों के बाद कई बार मेरी हथेली तक आए पर मैंने कभी आंख बंद करके उन्हें उड़ाया नहीं। कई बार मैंने टूटते तारों को भी देखा पर मेरी आंखें तब भी खुली रही। आंख बंद करके मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, उस सुख की भी तलाश नहीं की जिस सुख को जीते हुए मेरी आंख झुक जाए। हाँ, पर एक चीज जरूर है, वो भी उन सुखों की जो मेरे आसपास ही पड़े थे। कई बार वो मेरे सामने भी आए पर पता नहीं क्यों मैं कभी उन्हें जी नहीं पाया। अपने ऐसे बहुत से सुखों को जिन्हें मैं जी नहीं पाया मैंने अपने इस पुराने सूटकेस से बंद कर दिया। कभी कभी इसे खोल कर देख लेता, इसमें बड़ा सुख है।
जिन सुखों को मैं जी नहीं पाया उन सुखों को महसूस करना कि कभी इन्हें भी जी सकता था, ये बहुत अजीब सुख है। और जिन सुखों को मैं जी चुका हूं उनका अपना अलग बोझ है, और उस बोझ को ढोते ढोते जब भी मैं थक जाता हूं ना, तब ना ये सूटकेस खोल कर देख लेता और थोड़ा हल्का महसूस करता हूं। तितली, अरे तितली बेटा, रुको रुको रुको, अरे पकड़ो तितली, धीरे धीरे, अरे 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 पकड़ो बेटा, थक गया, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं। पापा आपके साथ बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं बाहर जाऊं? बेटा रात हो रही, रात को बाहर नहीं निकलते। रात कहां दिन है पापा, आप सच्ची बूढ़े हो गए, मैं बाहर जाऊं? दिन है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर पे ही ठीक है ना, और दोपहर में खेलने जाओगी तो काली पड़ जाओगी। हाँ हाँ काली पड़ जाऊंगी तो बंदरिया जैसे दिखूंगी, फिर जंगल से किसी बंदर को ढूंढ के लाना पड़ेगा मुझसे शादी करने के लिए, यही ना पापा? तो ठीक है, मैं बंदर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए आप चलोगे मेरे साथ जंगल बंदर को ढूंढने, क्या काली बोलो ना पापा, खेलने जाओ। अरे बेटा काले मुख के बंदर इतनी आसानी से नहीं मिलते, वो दूर जंगलों में रहते हैं। अच्छा, और लाल मुंह वाले बंदर? लाल मुंह वाले बंदर, लाल मुंह वाले बंदर तो दूर समंदर पार जंगलों में रहते हैं, वो तुमसे इतनी आसानी से शादी नहीं करेंगे। लाल मुंह वाले बंदर तो अंग्रेजों की तरह होते हैं, वो दहेज में केलों के बाद मांगते हैं। अब बताओ बेटा, इस उम्र में मैं जमीन खरीदूंगा, केले के पौधे लगाऊंगा, केले के बाग उगाऊंगा, इस बीच तो तुम बूढ़ी हो जाओगी, और एक काली कलू की बुढ़िया से बंदर तो क्या चूहे भी शादी करने को तैयार नहीं होंगे। बेटा तितली बेटा माफ करना, चूहे राजी हो जाए मैं उन्हें मना लूं। नहीं पापा, वो दरअसल कुछ लालू वाले बंदर हमारे गांव में आए थे। हमारे गांव? हाँ, उनके एक का तो मुझे नाम भी पता है। तितली बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। पापा मजाक नहीं, मैं बताऊं उसका नाम? नहीं नहीं, तुम खेलने जाओ, तुम सच्ची खेलने जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैं जाती हूँ। बात की चिंता शरण में रख दिया, जब मात को इस बात की चिंता लगाने की नदी ने की नमाज़ी ने। एक काम करो, जो ऊपर ही चढ़ा दो है ना शंभू जी, आपको हमारे दोस्ती की कसम। अरे दोस्त वोस्त नहीं है हम, समझे? चलो वापस रखो। चलिए ठीक है, ना आपकी ना मेरी, इतना। और बताइए कैसे हैं आप? मैंने कहा ना उठो, वापस रखो। बस इससे पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना पीछे करो, मैं मर जाऊंगा लेकिन इससे पीछे नहीं जाऊंगा। मुझे दोनों से घबराहट होती है, और वैसे भी समाज में सबको समान अधिकार है, ये भेदभाव नहीं चलेगा। कसम खाता हूँ इसके आगे नहीं आऊंगा। वैसे तुमने वो बात बताया नहीं। बताया ना पीछे घबराहट होती है। अरे वो नहीं, तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो मैंने नहीं बताया। मैंने जवाब दिया था पर तब तुम सो गए। अब रात भर सोने नहीं लोगे तो क्या करूंगा? वैसे अभी नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं। तो क्या? अरे वही क्या भाई, अरे वही क्या भाई भाई, अरे वही तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी नहीं, अभी जरा मुझे तैयार होना है। अच्छा, तो तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया है? नहीं, जिसमें जी आ रहे हैं वो रोज शाम को आती हैं, पर आज वो सिर्फ उससे मिलने आ रही है। अरे पगलाओ मत, एक बूढ़ा और था वो भी यही सोचता था, फिर इंतजार करते करते टह बोल गया। आप सो गई एकदम चुप, मां ने भी कहा था ऐसी की हमारी जीवन में यही भी कुछ सच है। Thank you.
अपने लिए तो जब जागो तब सवेरा। अरे जिम्मी बेटा तो भाई। क्यों मजाक करने का हक सिर्फ तुम्हें है? अरे मर्द तो तू पजामे में भी जा सकता है। वैसे तो हमारे जीवन में कुछ ही सुपज है और इस दुनिया के लिए आज हम क्या ही। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, रस आप लगा था। पजामा कहाँ गया? पजामा पहन लिया मैंने, गंदा था वो। ज्यादा खुश मत हो, तब तक साफ हो जाएगा तब तक वो आएगी। वैसे काफी देर हो गया है, मुझे लगता नहीं कि आज वो आएंगी। कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। भाई मैं तो लेट रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो लाइट ऑफ करके सो जा। वैसे शंभू जी, क्या आप पहली नजर के प्यार में विश्वास करते हैं? क्या? मैं भी नहीं करता था, पर अब मुझे लगता है पहली नजर का प्यार मिलता है। बस अब मुझे कोई पहली नजर में पसंद कर ले, बात करो। अरे पगला मत, सच में आ जाएगी। आई तो नहीं ना, ऐसे ही प्यार में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। वाह, कल तो तुम मिले थे, आज तुम्हें प्यार हो गया और अब दरार पड़नी शुरू भी हो गई। अब सोच रहा हूँ जो आसान काम है वही कर दूं। क्या? ना ना कर दूं उसको। आप करने का कोई मतलब है नहीं, इससे अच्छा ना ही कर दो। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करो। मानो जिनमिल जी आई। अरे मैं नहीं, मानो जिनमिल जी आई, ऐसे आई। और गली जी कैसे है? ना चलो वापस आए। ना ये तो एकदम रास्ता जैसा हो गया, ऐसा ठीक से प्रैक्टिस करो। ना ना कहाँ लग जाए उसे। मैंने सुना है प्यार में लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया। आपको क्या लगता है, कहीं वो आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? अगर वो तुमसे सच में प्यार करती है जैसा कि सिर्फ तुम्हें लगता है तो कुछ तो करेगी। देखो आई नहीं अभी तक। हाँ कहीं सच में आपको हत्या ना करनी। नहीं नहीं, प्यार में जो मर जाए वो कायर होता है, पर जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वही सच्चा प्रेमी है। कैसी कही? अच्छी कही। पर कैसे कही, मतलब निकली कहाँ से? अरे वही हमारे दोस्त थे ना तिवारी जी, सुनी के मुझे सुनी थी। एक बार तिवारी जी को प्यार हो गया, वही मोहल्ले में कोई गुलाब बाई नाम की औरत थी, एक बेटी थी और पति मर गया। पैसों की कमी थी तो तिवारी जी ने उसे अपने घर पे काम पर रख लिया। अब गुलाब बाई को कपड़ा धोता देखते देखते तिवारी जी को उससे प्यार हो गया। लेकिन गुलाब बाई वो गजब औरत थी, तिवारी जी से प्यार नहीं करती थी, इसीलिए तिवारी जी को अपने आस पास भी नहीं रखने देती थी। अरे वो तो बहुत समय बाद तिवारी जी को इतनी इजाजत मिली कि कभी कभार गुलाब बाई से पैर दबवा लेती थी। गुलाब बाई कभी कभार नहाते वक्त तिवारी जी से पिपर स्वामी लगा लेती थी। इसीलिए तिवारी जी कहते थे जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वही सच्चा प्रेम। और वो बच्ची कौन? अरे वही गुलाब की बच्ची। पता नहीं, वो तो स्कूल जाती थी। उसका नाम क्या था? नाम तो तिवारी जी ने कभी बताया नहीं, सब बच्ची बच्ची के करीब जाते थे। अरे तुम्हारे चक्कर में वहां फंस गया, मुझे तो तैयार होना था। वैसे मैं सोच रहा था उस बच्ची का क्या हुआ हो, का बचपन कैसे गुजरा होगा, वो कैसे बड़ी हुई होगी। इसको तो आज मैं ठीक ही कर देता हूं। तो क्या कहीं कोने में फेंक दोगे? अरे तुम उठो, उठो जाते उठो।
इसे बोलो कि यहां से उठ जाए। जी चलिए उठिए, हट, ये से नहीं मानेगा, पकड़ो इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? तो मुझे तुम्हें बाप में बताता हूं, आइए आइए। अरे ये क्या तमाशा है, बुढ़ापे में मरेगा बुढ़ऊ? अरे क्या है ये, पड़ गया नहीं इधर। मैं समझ गया हूं कि तुम यहां क्यों आए, मैं समझ गया हूं तुम्हें कोनों से इतनी नफरत क्यों है, क्योंकि तुम एक ऐसे बूढ़े थे जो अपने घर पर एक बोझ थे और तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोनों में ठूस कर रखते थे किसी जानवर की तरह, किसी ऐसे वैसे जानवर की तरह नहीं, कुत्ते की तरह। अगर तुम अपने घर में कुत्ते थे तो यहां शेर बनने की कोशिश मत करो, कुत्ते थे कुत्ते ही रहो। बताओ पानी दो उसको। नहीं चाहिए। तुम क्यों आ यहां पर? तुम्हारी तो एक बेटी है ना बलि। चुप, क्या हुआ? वो बच्चन थी, उसके बहुत सारे यार थे बलि। क्या वो तुम्हें अपना बाप नहीं मानती थी बलि? बलि जी, बलि जी, अरे ओ बलि जी, क्या है? आपके कपड़े धो रहा हूं, झाड़ू कौन लगाएगा? आपका धोकर हूं, इसके बाद लगाऊंगा। पहले झाड़ू लगा दीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी है इसलिए पहले झाड़ू लगाओ। जाओ, नहीं लगाता। अच्छा ठीक है, मत लगाओ। जिलमिल जी आएंगे तो मैं बता दूंगा कि बुड्ढा फ्रॉड है। ठीक है, लगाता हूं। वैसे मैंने हिसाब लगाया है, हम दोनों 6 महीने से साथ रह रहे हैं और इस बीच हम 12 बार लड़े, जिसमें से 8 बार गलती आपकी थी, 2 बार हम गौतम की वजह से लड़े थे, 1 बार हम यूं ही हंसी मजाक में लग लिए थे और आखिरी बार, हाँ आखिरी बार भी गलती सिर्फ आपकी है ना बुढ़ाऊ? क्या? अरे आपको शर्म आनी थी, एक बूढ़े आदमी होकर एक सीधे साधे आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने अपना समझकर आपको एक रात की बात क्या बता दी, आप सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा कि धमकी देकर मुझसे सारे काम करवा रहे। नहीं नहीं, हाँ आप आया ना उस पहाड़ के नीचे, अब बताओ तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? अभी नहीं, मैं काम करते वक्त ज्यादा बार नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो काम करो। वैसे कभी कभी सोचता हूं कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जब आप अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच रह रहे हैं और अचानक एक दिन आपको पता लगे कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, तब बताइए शंभू जी आप क्या करते? रोज शाम को टहलने के बाद जब मैं अपने घर वापस आता तो मुझे ताला लगा मिलता। ठीक है, मैं घंटों इंतजार करता। तो एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा कर दे दो। तो वो कहने लगा, इससे चोरी का खतरा बढ़ जाता है। मैंने चुपके से एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, तो उन्होंने घर में 2 ताले लगवा दिए। मैंने दोनों की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, तो उन्होंने मुझे पैसे देना ही बंद कर दिया। ये घटनाएं मेरे खाने से लेकर मैं घर में पंखा देर वक्त तक चलाता हूं तक पहुंच गई। जब आपको अपने ही घर में कोई देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, तब आप अपने ही घर में एक डरावना भूत बनकर ले जाते हैं और इस भूत
दिक्कत है, इस भूत की दिक्कत है कि ये दिखता है, ये दिखता है दिन में भी और रात में भी। तब बताइए सम्मू जी, आप क्या करते हैं? वो कह रहे थे मैं पूरा बूढ़ा दिन, पूरा बूढ़ा ये होता है पूरा बूढ़ा। पता है आपको कितनी मुश्किलों से मैंने नकली आयु प्रमाण पत्र बनवाया और अपनी उम्र बढ़ाई, पर आप हैं कि सबको बता दूंगा कि धमकी देकर मुझसे सारे काम करवा रहे। लेकिन ये बात अजीब नहीं है कि कोई आदमी बूढ़ा बनना चाहता है? बूढ़ा लो मजाक, लगा दिया झाड़ू, जा रहा हूं। पोछा कौन लगाएगा? बहुत मजा आ रहा है ना, लगाता हूं। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या तुम कहानियों पर यकीन करते हो? परी की कहानियों पर यकीन ही तो मैं सफर करता हूं। अच्छा ठीक है, मत लगाओ। नहीं अब लगाओ, अब तो लगाओ। अच्छा ठीक है लगाओ। नहीं आप क्या कह रहे थे, नहीं लगाओ। मैं तो कह रहा था कि मत लगाओ, पर अब तुम्हारी इच्छा है तो क्या कर सकते, लगाओ। अच्छा सुनो, इधर बैठो। शंभू जी। हाँ अब बता, तुम परी कथाओं पर यकीन करते हो? मैंने तो सिर्फ एक ही कथा सुनी है, कथाएं हरिशंकर तिवारी। इसके अलावा मैं किसी कथा पर यकीन नहीं करता। पहले मैं भी परी कथाओं पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक परी की कहानी थी जो मेरी बेटी तितली सुना करती थी। जब भी उसे नींद नहीं आती तो वो कहानी सुनकर वो सोया करती। पहले उसे उसकी माँ सुनाती थी और उसके गुजर जाने के बाद मैं सुना लेता था, और फिर जब मुझे नींद नहीं आई तितली वो कहानी पढ़कर मुझे सुनाती और मैं सो जाती। परी कथा, कभी कभी मैं सोचता हूं हमें इन कथाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जो जीवन हम जी रहे हैं इतना कठिन है कि हमें ऐसी कहानियों की जरूरत पड़े जो सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना है। असल जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परी अचानक आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती, लेकिन फिर भी हम इन कथाओं को इनके पूरे झूठ के साथ स्वीकार करते हैं। पता है क्यों बली जी? क्योंकि इनमें जिया जा सकने वाला सुख है, और उस सुख को हम उस कथा के वक्त के साथ जी लेते हैं। और ये एक आदत है, एक बहुत बुरी आदत जो मुझे लगी हुई है। पूरी परी कथा याद होने के बावजूद मैं उसे खुद को सुनाकर सो नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए कोई अपना चाहिए होता है, कोई अपना जिसे आप छू सके, जिसके सर पर आप हाथ रख सके। वैसे मेरा कोई अपना है नहीं, हाँ एक परी है तितली जिससे मैं कभी कभार बातें कर लिया करता हूं और सो जाता हूं। आपकी बेटी तितली अब कहाँ है? अरे मैंने कहा ना, वो परी बन चुकी है। परी मतलब तुम पहले मुझे इसका मतलब बताओ। वो आप कहानी सुना रहे थे ना, तो तुम पसर गए, जाओ पोछा लगाओ। और अभी तो आपने कहा पोछा नहीं लगाना। अरे नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ लगाओ। बुढ़ाओ एक दिन तेरी चंपी कर दूंगा। बली जी मैंने सारे कपड़े धो दिए, अब मैं जाऊँ? आता आजा आजा, कहाँ घूम रहा? ये ले पोछा लगा था, मैं बहुत थक गया हूँ। पर अभी अभी तो मैंने कपड़े धोए थे। जम्बू जी बहुत नाराज है, लगाओ ने लगा रहा हूँ। जम्बू जी लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। शंभू जी थक गया, कपड़े धोकर पोछा लगाकर। कल मैं और दिलजीत जी पकौड़े खाने गए थे, और आज वो कह रही थी मुझे एक अच्छी खबर सुनाने वाली है। मुझे? वैसे तो मुझे पता था कि ये सब होगा,
पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं बताता। क्या क्या कह रहे हो? मैं अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना सुना रहा हूँ और आप है कि क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। किस बारे? अरे वही गुलाब भाई। छी छी गुलाब भाई। अरे नहीं, गुलाब भाई की बच्ची के बारे में सोच रहा था। पता नहीं, मैं भी कहाँ उधर गया, मुझे तो तैयार होना था। अरे तुम बड़ी अजीब आदमी हो, तुम्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। हरिशंकर तिवारी, गुलाब भाई, उनकी बच्ची, तुम्हें किसी की याद नहीं आती? अरे घर वालों की तो तुम जिक्र ही नहीं करते, पर तुम्हारे हरिशंकर तिवारी। डॉक्टर हरिशंकर तिवारी बोलिए, बताओ ड्रामा मान जाएंगे? हाँ हाँ वही डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। क्या तुम्हें उनसे मिलने का मन नहीं करता? उनसे कैसे मिलूं? वो तो मर गए ना। मर गए कैसे? मैंने गांव बहुत पहले छोड़ दिया, तभी उनकी मृत्यु हुई होगी। जब बहुत समय बाद गांव वापस गया तो लोगों ने बताया कि तिवारी जी एक बार रोड क्रॉस कर रहे थे और एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। बिल्ली? वो तो अशोक होती है ना। हाँ, इसीलिए तिवारी जी वही बीच सड़क पर खड़े इंतजार करते रहे कि जब तक कोई दूसरा रोड क्रॉस ना करे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या, वो इंतजार करते रहे। अरे मतलब कोई आया नहीं? गाँव में लोग सुबह कमी निकलते है ना। फिर तितली बेटा,
तुम कब आई? मैं तो यही थी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं बेटा, मैंने एक डरावना सपना देख लिया था जिसमें एक राक्षस मुझे डरा रहा था, पर मैंने भी कह दिया तितली का बाप हूँ, डरूंगा नहीं। अच्छा तो आप किससे डर रहे हो? मैंने झूठ कहा था बेटा, मैं उस राक्षस से डर गया था। तितली का बाप हूँ, डरूंगा नहीं, ये बात मैं उस राक्षस को कह नहीं पाया। आपको राक्षस से डर लगता है? तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए मुझे उनसे डरना पड़ता। मुझे तो राक्षस अच्छे लगते हैं। पर पापा, मुझे तितली नाम अच्छा लगे। तितली, ये भी कोई नाम हो? अरे, इतना अच्छा तो नाम है। नहीं पापा, नाम होता है जैसे झांसी की रानी। झांसी की रानी? वैसे उनका नाम लक्ष्मी बाई थी। हाँ, तुम चाहो तो खुद को लक्ष्मी बाई कह सकती। बाई नहीं पापा, रानी। अच्छा, वो तितली रानी? तितली रानी बड़ी सयानी। नहीं पापा, कुछ अगर आप थोड़ा और इंतजार कर लेते ना, तो मैं खुद ही अपना नाम बता देती। नाम रखने में इतनी जल्दबाजी क्यों? वैसे मैंने सुना है ये नाम माने रखा था, आप क्या चाहते थे? मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ बेटा। अच्छा जी, एक काम, तुम्हें जो नाम पसंद है नाम तुम तय कर लो और मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊं। ठीक है, तुम्हें बताओ ना। इतनी जल्दी नाम तय कर लिया? हाँ। हाँ, बताओ। गाड़ी से वो घूमने गए थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है।
जिससे वो सुभाकर तो बच गया, पर मेरी बेटी तितली, मेरी फूल सी बच्ची मर गई, मेरी फूल सी बच्ची मर गई। मैं हमेशा के लिए अकेला हो गया बलि जी। तितली की बालाटा की फोटो देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और सब कुछ छोड़ कर मैं फॉल्टेड होम में आ गया। मुझे कोई लेना देना नहीं है उसकी बात करते, लेकिन उसने एक झटके में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों पड़ा है मेरे पीछे, मुझे नहीं मिलना उससे। मेरी बेटी तितली मुझसे बहुत प्यार करती थी, आज भी करती है। हम दोनों एक दूसरे से रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, पर वो सुभाकर मुझसे ये सुख भी छीन लेना चाहता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप उसके बारे में मत सोचिए। आइए आइए, यहाँ बैठिए। आप मत सोचिए उसके बारे में। बैठिए, मैं आपके लिए पहुंच आता हूँ। दवाइयां कहां है? रुकिए, मैं जिंदल जी से पूछ के आता हूं। हाँ, अच्छा बहाना है जिंदल जी से मिलने का। बाबू जी, उसकी शादी तय हो गई है, इतना बुरा आदमी भी नहीं हूं मैं। रुकिए, मैं आपकी चमकी कर देता हूँ। आइए, एक काम करो, मुझे तब तक वही बता दो। क्या? अरे वही डॉक्टर से ड्राइवर कैसे? अरे वही ड्राइवर से डॉक्टर। आप अभी वही अटके हुए हैं? अभी नहीं, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब बताऊंगा। अच्छा एक काम करो, तिवारी जी की कोई दूसरी कहानी सुना दो, मैं जरा खुश हो जाऊं। तिवारी जी, उनकी एक इच्छा थी, उसके बारे में बताता हूँ। तो असल में हरिशंकर तिवारी जी, अरे डॉक्टर हरिशंकर तिवारी बोलो, वरना वो नाराज हो जाएंगे। आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाया। हाँ, तो तिवारी जी असल में प्रसिद्ध होना चाहते थे, जो वो हुए नहीं, तो उन्होंने तय किया कि वो किसी प्रसिद्ध चीज को देखेंगे। तो उन्होंने तय किया कि वो ताजमहल देखने जाएंगे, उसे करीब से छुएंगे, देखेंगे क्यों वो इतना प्रसिद्ध है, क्यों उसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, पर उन्हें देखने कोई नहीं आता। क्यों, तुम तो जाते थे ना उन्हें देखने? अरे मैं तो कब बहुत छोटा था, मुझे तो वो किसी गिनती में भी नहीं रखते थे। हाँ, तो उन्होंने तय किया कि पहले वो शिरडी जाएंगे, मन्नत मांगेंगे कि वो ताजमहल देख सकें, और अगर मन्नत पूरी हुई और उन्होंने ताजमहल देख लिया तो वो वापस शिरडी आकर भगवान को धन्यवाद करेंगे। अरे अजीब आदमी है, दो बार शिरडी जाएंगे, इससे अच्छा एक बार ताजमहल भी घुमा। हाँ, मैंने तुमको यही कहा, तो वो कहने लगे अगर मैं सीधा आगरा चला गया और ताजमहल देख लिया तो किसको बताऊंगा कि मैंने ताजमहल देखा। इसीलिए वापस शिरडी आकर भगवान को कहूंगा, भगवान ताजमहल देखा, अच्छा लगा। अच्छा, तो वो ताजमहल गए? नहीं, जब तक मैं था तब तक तो वो शिरडी जाने के पैसे इकट्ठा कर रहे ठीक है बलि जी, अब मैं सोना चाहूंगी। जी जरूर, वैसे भी बुढ़ापे में जल्दी सोना चाहिए। शंभू जी, लाइट ऑफ कर दो। अरे नहीं, आपके साथ तो कैसे भी सोने की आदत हो गई है। बलि जी, एक कप चाय मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तक से मैंने एक परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को उसकी परी मिल जाए। वो हंसने लगी, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी परी कथा सुनाती हूँ जिसमें परी गायब हो गई। चाय तैयार है। गंगू जी,
इसको मैं ही रखूंगा, बाकी सामान आप मुझसे दे सकते। अच्छा हुआ पहले नहीं आया, वरना पता नहीं शंभू जी उसका क्या करें और उनके बीच मैं अपना क्या करूं। बनी जी, आपसे एक फेवर चाहिए। चिंता की बात नहीं है, आपकी शादी में सारा काम करूंगा। आज हम सब लोग आ रहे हैं और हम शुभांकर को ऐसा मिलना भी नहीं चाहता है, तो आप यहाँ पे संभाल लेगा ना? आप रहती या नहीं रहती, संभालना तो मुझे पड़ता ही। आप जाइए। तो गौतम को भिजवा कर बुला लेना। तो आएगा तो कॉल कट कर देना, ठीक है? तो मैं दिलवे जी, मुझे आपको एक बात बताइए। बहुत समय बाद जब मैं अपने गांव वापस गया तो मुझे तिवारी जी के घर के आगे भीड़ मिली। पता करने पे पता चला कि तिवारी जी घर में ही पढ़कर होम्योपैथी के डॉक्टर हो गए थे और फ्री में सबका इलाज करते थे, फ्री के डॉक्टर। ड्राइवर से डॉक्टर, मेरे और शंभू जी के बीच की बात थी, उन्हें बता नहीं पाया, बस से बहुत प्यार करता हूं। 2 साल
रात मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। दो सालों में मैं उन जगहों पर हजारों बार घूमा हूँ जहाँ हम मिला करते थे। बहुत तकलीफ में दिया वही वही बार बार वैसा का वैसा दे रहा हूँ और मैं था भी नहीं जिसे मैं सब बता पा सब कह पा बस एक बार तुमसे मिल लेते हैं मैं आपके साथ बैठने को चाहता था। मैं आपके साथ बैठने को
साल बाद वापस ऑडिटोरियम में आए और वापस आए हमारा प्रदर्शन किया। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑडियंस। दूसरा स्पेशल थैंक्स टू एल्सरिंगा जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। और लास्ट में हमारी टीम है एक्सप्रेशन की, बहुत सारे लोग आए। तो पहले कास्ट से शुरू करते हैं।